अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पुराना है और बहुत स्लो है, वो आपको यूज़ करने का मन नहीं करता है, तो आज जो है आप एक सेटिंग कर लीजिए तो आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, तो आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है अपने कीबोर्ड से विंडोज़ आर आपको प्रेस करना है। विंडोज़ आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे आपका जो रन वाला बॉक्स होता है वो आ जाता है। अगर आप विंडोज़ आर नहीं दबाते तो आप जो है यहाँ पर सर्च बार होता है, सर्च बार पर यहाँ पर आप रन सर्च कर लीजिए। रन लिख के जैसे आप सर्च करोगे ऊपर आपका रन का ऐप आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर वही जगह पे आ जाओगे जो रन का बॉक्स होता है। यहाँ पे आपको लिखना है msconfig config, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। msconfig आपको लिखना है, msconfig लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे और एक स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा, यहाँ पे दो चार ऑप्शन रहता है, जनरल बूट सर्विस, तो आपको बूट वाला ऑप्शन पे जाना है। आपको बूट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिखने को मिलेगा, देन आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया जाएगा नंबर ऑफ प्रोसेसर, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, बाई डिफॉल्ट आपका यहाँ पे 1 रहता है, तो आपको इसको जो है मैक्सिमम जितने हैं आपके पास 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन आता है, मैक्सिमम अधिकतम जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा 5, 6, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं 4 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा। आपको भी ऐसे कर लेना है और उसके बाद में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे आपका पुराना कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो आप थोड़ा पहले से बेहतरीन फास्ट चलेगा और आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, टिप्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।